कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कितना पैसा लगता है क्या सैलरी पैकेज है क्या स्कोप है आजकल के जमाने में और हम लोग करें ना करें आपके सारे सवाल जितने भी आपके क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन क्लास एक वीडियो में है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि भर भर के इंफॉर्मेशन है इसके अंदर मैंने कोशिश करी है आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं और डैम एम श्योर अगर आपके मन में सीए करना है तो इस वीडियो से देख के आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है राइट अब सीए क्या है

तो अब ऐसा क्या है इस कोर्स के अंदर क्या बनते हो क्या स्कोप है सारी बात, सारी बातें करते हैं इन डेप्थ में इन डिटेल में और इसमें आप सबको पता है तीन स्टेज होते हैं एंट्रेंस होता है क्लास फाउंडेशन स्टेज तो मैं फाउंडेशन स्टेज के बारे में थोड़ा डीपली बात करूंगा क्योंकि देखो क्या है जिस तरीके से मान लो मुझे यहाँ से जाना है शिमला जाना है घूमने तो मेरी गाड़ी जब चलेगी ना क्लास तो गाड़ी की जो हेडलाइट की रोशनी होती है वो बहुत दूर नहीं होती है सौ डेढ़ सौ मीटर तक जाती है लेकिन फिर भी हम वहां तक उसी हेडलाइट से यानी उस लाइट से पहुंच जाते हैं क्यों पहुंच जाते हैं क्योंकि जैसे, -जैसे, जैसे आप एक स्टेज के अंदर घुसना स्टार्ट करोगे एंट्री ले आपको इंटरमीडिएट फाइनल का रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाएगा आपको अभी से उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या करना है श्योर तुम पांच साल के अंदर बन के लोगे अगर आपने मेरी आज की वीडियो को ध्यान से देखा और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं सारी की सारी बातें हम क्लास डिस्कस करेंगे करके राइट सबसे पहली बात सर क्या हम ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं यस yes, आप चाहो तो ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हो आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हो तो तीन स्टेज में से आपको फाउंडेशन वाला स्टेज नहीं देना पड़ता इंटरमीडिएट और फाइनल देना पड़ता है बट मेजर बच्चे जो है वो क्लास आजकल इसको ट्वेल्थ के बाद ही करते हैं इसमें जस्ट आपको ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए आपके पास तो सर अभी तो हम पास आउट नहीं हो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं यस yes, टेंथ के बाद ही जैसे आप टेंथ पास आउट होते हो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए तो आप फॉर्म भर सकते हो टेंथ के बाद यानी कि आज क्या आप फॉर्म भर सकते हो यस कल भी भर सकते हो लेकिन अभी आपका जो साल में ना फाउंडेशन दो बार होता है दो अटेम्प्ट होता है एक होता है मे में, में और एक होता है नवंबर अटैम्प्ट तो जो नवंबर 2022 का अटैम्प्ट है अगर आप वो देना चाहते हो वहां पे पहली बार आप सीए फाउंडेशन में एंट्रेंस को क्लियर करना चाहते हो तो कोशिश करना एक जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म भर दो आप रजिस्टर करा लो खुद को राइट नवंबर 2022 के लिए ध्यान रखना एक जुलाई लास्ट डेट है एक जुलाई से पहले भर देना e डॉट आई सी ए आई डॉट ओ आर जी पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो फॉर्म का भरने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है टेंथ की मार्कशीट आपको चाहिए एक सिग्नेचर एक फोटोग्राफ आप फॉर्म भर सकते हो और क्लास नौ हजार दो फीस लगती है फाउंडेशन की ओके अच्छा अब मेरी बात सुनना आपके टेंथ में कितने मार्क्स थे आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स थे आपकी रिजर्वेशन क्या है आप कौन से स्ट्रीम से थे आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी जितने भी सीए बनते हैं क्लास आई से रजिस्टर्ड होकर ही बनते हैं यानी कि आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है ओपन कोर्स होता है यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले लो पाँच साल तक पढ़ाई आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे आपकी मर्जी है या घर बैठ के करते हो आप पढ़ाई करो लेकिन क्लास यहाँ पर आप आराम से किसी भी स्ट्रीम के हो आप पढ़ाई करो और आईसीआई से जुड़ जाओ रजिस्ट्रेशन जब लेते हो तो जुड़ जाते हो आप फिर वहीं से आपको क्लास पांच साल से वहीं से पेपर बनता है सारा प्रोसेस वहीं से होता है राइट तो किसी भी स्ट्रीम से हो किसी भी कैटेगरी से यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता कुछ नहीं होता बस ट्वेल्थ पास चाहिए अब कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमारे ये इन लोग कह रहे हैं दोस्त कह रहे हैं कि सी बहुत टफ है मत करना सी तो टॉपर वाले बच्चे ही करते हैं तो अगर ऐसा है तो क्यों फिर ये कहते हैं कि सिर्फ ट्वेल्थ पास वाला बच्चा एंट्री ले सकता है इनको तो कहना चाहिए कि नाइन्टी फाइव वाला बच्चा ही एंट्री ले क्योंकि सी ए कोई भी बन सकता है यार जो टेंथ में कमज़ोर था ट्वेल्थ में कमज़ोर था वो ज़िंदगी भर कमज़ोर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और जो टेंथ और ट्वेल्थ में तेज जो है वो जिंदगी भर तेज रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कब किस स्टेज में क्लास कहाँ क्या चेंजेस आ जाए इंसान के अंदर कुछ नहीं कह सकते कब आपने डेडिकेशन लेवल बढ़ाया मेहनत करना स्टार्ट किया कब आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगा कोई नहीं कह सकते को, कोई नहीं कह सकता इस बात को तो आप बस पास आउट हो आप अप्लाई कर अगर आपने सोचा है इसी बनने के लिए तो तुम एक काम करना पाँच साल तक सब कुछ त्याग देना मेहनत 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 डैम श्योर पक्का पाँच साल के अंदर एक अच्छे सी बन निकलोगे सी में भी बहुत वेराइटी है आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना सीखा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कितना सीखा कितना अच्छे से प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई किया उस सीए की वैल्यू ज्यादा होगी हर सी की सैलरी सेव नहीं होती करोड़ों कमाने वाले सीए भी हैं और तीस तीस चालीस चालीस हजार कमाने वाले भी सीए हैं राइट right? तो मैं यही कहूंगा पांच साल अगर आप हार्डवर्क डेडिकेशन से पढ़ते हो आई एम श्योर पूरी जिंदगी भर क्लास आपके साथ ये डिग्री रहेगी और आपको बहुत लाइफ में आगे सिखाएगी पढ़ना बंद नहीं होता पढ़ाई एक ऐसी चीज है लर्निंग एक ऐसी चीज है मरते दम तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे लाइफ से सीखोगे क्लास बुक से सीखोगे एक्सपीरियंस से सीखोगे सीखना कभी बंद नहीं होगा और सीए जैसे प्रोफेशन में नए नए रूल्स आते हैं आप इनकम टैक्स में जा सकते हो आप ऑडिटिंग कर सकते हो आप चाहो तो फाइनेंस में जा सकते हो बहुत सारी वरायटी है इंश्योरेंस में जा सकते हो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शन हैं सीए के अंदर भी सीखना पड़ेगा सरकार के नए नए रूल्स आते हैं जीएसटी आ गया तो क्या पुराने सीए बेरोजगार हो गए नहीं जीएसटी भी सीखेंगे इनकम टैक्स में चेंज आएगा अमेंडमेंट आएगा वो सारी चीज सीखेंगे ओके तो तुम क्लास रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ले सकते हो आई सी आई डॉट ओ आर जी यहाँ पर जाओगे वो वेबसाइट भी सेम है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है टेंथ की मार्कशीट भी आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे साइन करके स्कैन करके पूरा अच्छे से स्कैन करके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेना और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फाउंडेशन की फ़ीस जो होती है वो नौ हज़ार दो सौ होती है हालाँकि तीन स्टेज है फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल इन तीनों को करने में आपको पाँच साल लगते हैं और अगर आप सी कर रहे हो साथ साथ में बी बी ए बी कॉम भी अपने साथ करते रहना कॉरेस्पॉन्डेंट से भले ही कर लेना बट करते रहना क्योंकि सी की पढ़ाई में आपको इतना कुछ

बच्चे इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेते नहीं सोचते बस पेपर निकलते जाए चार अकाउंटेंट बनने के लिए फाइनल का पेपर पास होना है पेपर पास हो जाएगा हम बन जाएंगे नहीं तुम्हें डीपली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा सोचो कि डॉक्टर की डिग्री तो ले लिया बट कैचे पकड़ के ऑपरेशन करना नहीं आता पेशेंट को सही से ट्रीट करना नहीं आता तो कैसे काम चलेगा डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की ट्रेनिंग की वैल्यू है सीखो क्लियर कर लो पेपर डिग्री ले लो सीख लिया आपने बस और कुछ नहीं चाहिए अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम इसकी प्रिपरेशन करें कैसे देखो यार सीधी सीधी बात टू द पॉइंट बोलूंगा आपको आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है

ट जगह तो चर्चा हो जाता हर तो यार ये लेवल है तो अगर आप सीए बनते हो रैंक वन अगर आप क्लियर करते हो तो बचपन में क्या हालत थे आपके आप कैसे पले बड़े हो, मुझे नहीं पता पर तुम्हारी पूरी की पूरी पीढ़ी आगे की बहुत अच्छी से चलेगी अगर तुम यहाँ पे मेहनत कर लेते हो तो, तो इस प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं तुम्हें सजेशन दूंगा एक प्लेटफॉर्म का यहां जाकर अपनी आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन ए टू जेड कर सकते हो क्लास प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ये तो है वेबसाइट क्लास आईसीएआई की बट अब मैं तुम्हें क्लास अनअकेडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा तुम्हारे मन में कोई भी दिक्कत परेशानी है कहाँ पढ़ें कहाँ पढ़ें तुम अभी दो तीन साल से लगभग पूरा ऑनलाइन पे ही बेस्ड हो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा तुम्हारी अच्छी हैबिट है तुम कहाँ अच्छे टीचर्स को ढूंढोगे यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अकेडमी लेके आता है आपके लिए टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ो उनकी मैंटोरशिप लो उनके डाउट सेशन में बैठो उनसे वन टू वन बात करो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आपको क्लास आपका ग्रुप मिलेगा वहाँ और भी लोग होंगे उनके साथ अपनी जर्नी चलाओ यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपर्ट्स

बहुत नॉमिनल है इतना ही नहीं अगर आप कूपन कोड कॉमर्स यूज करोगे तो आपको क्लास एक्स्ट्रा टेन परसेंट का ऑफ और मिलेगा अगर आप जैसे मैं सजेशन देता हूं क्लास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्योंकि यहां पे जो प्लस में मिल रहा है सेम टू सेम वही आपको आइकॉनिक में मिल रहा है लेकिन साथ में वन टू वन मेंटोरशिप भी मिल रही है कोई दिक्कत परेशानी होगी अगर आप कोर्स ऐसा कर रहे हो जो बिल्कुल हटके है तो मेहनत भी हटके डायरेक्शन भी हटके चाहिए क्लास और आपको गाइडेंस भी हटके मिलेगी साथ में प्रिंटेड बुक्स आपके घर पहुंचते हैं जब अगर घर पर किताबें आती है ना तब इंसान की लगन थोड़ी सी बढ़ जाती है वहीं पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है इसके साथ डाउट सॉल्विंग ही रहेगा डाउट सॉल्व वगैरह सब कुछ हो सकता है तो एक कंप्लीट गाइडेंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है कॉमर्स कूपन जरूर यूज़ करना है क्लास मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए साथ में क्लास एकाग्रता टू बैच शुरू हो रहा है नवंबर दिसंबर के लिए जो ये क्लास जून सोलह के ऑनवर्ड शुरू हो रहा है तो आप ये बैच में एनरोल कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो खुद सीए हैं क्लास जो खुद अच्छी तरीके से

अब हमने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया एक जुलाई से पहले और मान लो नवंबर अटेम्प्ट नहीं दिया तो या खुदा ना खास्ता था कि फेल हो गया फिर क्या होगा तो कोई बात नहीं तुम्हें दोबारा नौ हजार दो सौ रुपए देने की जरूरत नहीं है तुम इस फाउंडेशन की जो आपकी मार्कशीट है मान लो आप पास हो गए और आप आगे नहीं दे रहे तो भी क्लास ये तीन साल तक तुम्हारा पूरा वैलिड रहेगा और आई थिंक तीन साल तो इनफ है तीन साल बाद सर क्या मुझे फिर से फाउंडेशन देना पड़ेगा नहीं तब भी नहीं देना तुम्हें क्लास एक रीवेलिडेशन फीस देनी है तीन सौ रुपए और फिर ये क्लास आगे के लिए और वैलिड हो जाएगा कुल मिला के इसकी नौबत नहीं आएगी मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस बात से कि आपने एक बार नौ हजार रुपए नौ हजार दो सौ रुपए रजिस्ट्रेशन का दे दिया है जिसके अंदर बुक्स भी तुम्हारे घर आती हैं 9200 में आई आई तुम्हें बुक्स भी घर भेजेगा अपने कोई भी डाउट हो कॉमन है पूछ लेना क्लास लेकिन अगर तुम सी करने जा रहे हो तुम शायद कॉमर्स का एक सबसे अच्छा कोर्स करने जा रहे हो बच्चे बोलते कॉमर्स में सबसे अच्छा क्या है तो आप शायद सबसे अच्छा कोर्स करने जा रहे हो तो यार पूरी गाइडेंस के साथ बस एक ही डेडिकेशन से मुझे करना है तो मुझे करना है फाइनल हो जाएगा आराम से राइट इंटरमीडिएट क्लास जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हो उसकी अलग फीस होती है ग्रुप वन ग्रुप टू की वो फोर ईयर की होती है और फाइनल की फाइव ईयर्स की होती है राइट तुम फॉर्म जो है वो टेंथ के बाद फिल कर सकते हो मैं बता चुका हूँ क्लास आपको अगर मैं अटेम्प्ट देना चाहते तो क्लास एक जनवरी से पहले लेना लेना था रजिस्ट्रेशन तो आई होप आप लोग नवंबर अटैम्प्ट बेसिकली दोगे तो नवंबर अटैम्प्ट के लिए क्लास एक जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लेना मैंने क्या कहा ट्वेल्थ में तुम्हें कोई एट्टी नाइन्टी परसेंट लाइन जरूरत नहीं है ट्वेल्थ पास हो फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट है काम हो जाएगा बात बन जाएगी अब बात करते हैं सी फाउंडेशन के सब्जेक्ट के बारे में देखो पेपर जो है कुछ तो लिखने वाला होता है और कुछ होता है क्लास टिक मार्क वाला तो जो सब्जेक्टिव पेपर है वो उसमें दो आता है कौन कौन सा प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो कि हंड्रेड मार्क्स का पूरा ये अकाउंट से बेटा सुनो मेरी बात अगर तुम्हें क्लास इलेवंथ की अकाउंट आती है तुम्हें क्लास ट्वेल्थ की अकाउंट आती है कंपनी में क्वेश्चन देख रहा था मैं प्रीवियस है कंपनी का जो हम करते हैं ना इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था उसके अंदर और हर साल आता है तो इलेवंथ ट्वेल्थ तो अगर तुम्हें आता है ना तो 90 80 90 परसेंट पेपर तुम आराम से कर लोगे अगर तुम्हें इलेवंथ और ट्वेल्थ का अच्छे से आता है तुम डैम श्योर पूरा का पूरा पेपर में 80 अस्सी नाइन एसेंट पेपर आप आराम से सॉल्व कर लोगे राइट दूसरा होता है बिजनेस लॉ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ये तुम्हारे लिए नया है बट डोंट वरी ये भी सब्जेक्टिव है अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे आईसीए का स्टडी मटेरियल जो ये घर पर आपको बुक भेजते हैं रिविजन प्रैक्टिस पेपर इनके मॉक टेस्ट भी आते हैं तो डैम श्योर क्लास आप आराम से कर जाओ Okay, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है फाउंडेशन के अंदर देखो मैंने का लेते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं बाहर जाते हैं घूमते हैं दोस्त बनाते हैं पार्क में बैठते हैं गाड़ियों में घूमते हैं यही सब काम करते रहते हैं आज जाना आज मन नहीं है आज नहीं जाऊंगा वो भूल जाते हैं ने कितनी मेहनत से फीस भरी है घर वाले कितने डेडिकेशन से इंतजार कर रहे हैं कि आपका बच्चा सी बने तो यार ऐसा मत करना अगर घुस रहे हो तो सोच लो पहले ही कि यार कुछ बनना है तो घुस रहे हो तो पाँच साल बाद निकलो तो सी नाम के आगे सी लगेगा आपके चार अकाउंटेंट आपके सिग्नेचर की वैल्यू होगी ग्रीन पेन से साइन करोगे आप ऑडिटर कहलाओगे आप आपके जाते ही कंपनी का मालिक आपके लिए खड़ा हो जाएगा आके क्या सी ए साहब आए ऑडिटर साहब आए तो यार ये रेपुटेशन है इस कोर्स की तो बिजनेस लॉ है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है ये सिक्सटी का आता है ये फोर्टी का आता है अलग अलग सेक्शन में तो ये दोनों सब्जेक्टिव आपको लिख के करना पड़ेगा जैसे आप टर्म तो टू में कर रहे हो अब हम बात करें क्लास ऑब्जेक्टिव की तो ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग अब कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स क्या कंपलसरी है बिल्कुल कंपलसरी नहीं है तुम्हारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है तो मैथ्स लोगे तो क्या मेरे पास सर मैथ्स नहीं था या मैं मैथ में कमजोर हूं तो क्या मैं सी बन सकता हूँ ये बिल्कुल बन सकते हो यार तुम्हें सिर्फ सौ में से चालीस नंबर लाने हैं ओनली फोर्टी मार्क्स लाने हैं तो तुम कमजोर हो की बात ही नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्लास बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये फोर्टी 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 अच्छा ये क्लास ये सिक्सटी है फोर्टी इस तरीके से क्लास ये हो गया हंड्रेड मार्क लेकिन क्लास एक बात ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है सीए में नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप लोगों ने क्लास एमसीक्यू में कोई भी आंसर गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे सही के आपको एक नंबर मिलते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है जैसा सी में चल रहा है वैसे ही क्लास यहाँ पे भी है तो ये सब्जेक्ट है तो ओवरऑल अगर आपको इलेवंथ का अच्छा आता है आपको ट्वेल्थ का अच्छा आता है तो आपका फाउंडेशन तो निकला पड़ा है बड़े प्यार से लेकिन जब आप फाउंडेशन में अच्छा स्कोर करते हो फाउंडेशन में आप अच्छी परसेंटेज लेके आते हो 70, 70, सेवेंटी परसेंट लेके आते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं क्लास वो आपको ऑफर देते हैं वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं कि यार बच्चे ने रह... मतलब एक बात कहूं मैं आपसे सीधी सीधी बात सी एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है सी सबसे सस्ता कोर्स है सबसे सस्ता कोर्स पैसा कम मेहनत है इसके अंदर डेडिकेशन है इसके अंदर मेहनत से पढ़ोगे सीखोगे काम को तो लाइफ में आगे जाओगे अगर तुमने कसम खा ली कि भाई मुझे फाउंडेशन में रैंक वन लेके आना है या रैंक वन भी नहीं आ रही मान लो बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं तो तुम आगे इंटरमीडिएट के लिए ना कोचिंग सेंटर वालों को कह सकते हो देखो मेरा फाउंडेशन में इतने अच्छे नंबर आए हैं मैं तुम्हारे कोचिंग का नाम करूंगा मुझे थोड़ी सब्सिडी दे दो या फिर मुझे थोड़ा स्कॉलरशिप दे दो मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ डेफिनेटली वो आपको पूरा इंटरमीडिएट फ्री कर देंगे आपको क्योंकि भैया आप जब पढ़ के नाम करोगे तो उनकी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो इंटरव्यू लेंगे आपका आपके बोर्ड पे नाम छापेंगे उनका नाम होगा उनका कोचिंग से उनका बिजनेस बढ़ेगा कि हाँ यार यहाँ से टॉपर निकलते हैं तुम टॉपर तो बनो तुम यहाँ रोना धोना छोड़ो मेहनत करो कुछ हासिल करो देखो तुम्हारे पास दुनिया आएगी राइट right? अब इसके बाद तुम इंटरमीडियट में अच्छा करो तुम्हें फाइनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल जाएगी और तुम्हें अगर मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती मैं कोचिंग की बात करूं तो पूरे सी ए करने में क्लास अगर मैं पूरे सी की बात करूं तो मान लो क्लास अप्रोक्सिमेटली डेढ़ से दो लाख का खर्चा मैक्सिमम आपका आएगा पांच साल का पांच साल खर्चा आएगा और डेफिनेटली क्लास ये सी है आप जब बन के निकलोगे ना तो आपकी अलग वैल्यू होगी इसे कोई बीबीबी कॉम से कंपेयर मत करना प्रोफेशनल कोर्स है ये राइट तो ये सब्जेक्ट की बात होगी अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया इनमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हर सब्जेक्ट में कम से कम फोर्टी परसेंट तो आने चाहिए सीए में सौ में से चालीस नंबर हर सब्जेक्ट में आना जरूरी है अगर तुमने सब में नब्बे नब्बे नंबर लिया है किसी एक सब्जेक्ट में थर्टी नाइन लिया है ना बेटा तो तुम रह जाओगे तुम्हें दोबारा फाउंडेशन देना पड़ेगा तो यानी कि हर सब्जेक्ट जरूरी है हर सब्जेक्ट में फोर्टी फोर्टी मार्क्स होना चाहिए और साथ में अग्रीगेड मिलाकर जो है वो फिफ्टी परसेंट भी होना चाहिए मान लो चारों सब्जेक्ट में चालीस 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 गए तो ये क्राइटेरिया तो पूरी हो गई लेकिन ये नहीं पूरी हुई तो भी क्लास आप रह गए तो भी आपको अगले अगले, अगले अटेम्प्ट में फिर देना पड़ेगा फाउंडेशन का पेपर और आप मान लो दोनों को पूरा करते हो हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर भी हैं और चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 200 भी हैं आपके तो आप पास हो गए तो एक-आध सब्जेक्ट में आपको 60 70 60 मिल आते तो 55 किसी में 40 किसी में 45 ऐसे भी अगर लाओगे ना 40 55 किसी में 54 किसी में 48 ऐसे भी लाओगे तो भी तुम्हारा 200 नंबर आराम से निकल आएगा राइट तो मतलब तुम्हें 400 में से 200 नंबर तो लाने ही लाने हैं मिनिमम 50 परसेंट और हर सब्जेक्ट में तुम्हारे अलग से ऊपर ऊपर होने चाहिए 40 से ऊपर तो ये पासिंग क्राइटेरिया है थोड़ा सा इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप मैं पढ़ोगे ना मन से तो कोई कोई बैरियर नहीं है आराम से निकलेगा सर सैलरी कितनी मिल जाती है देखो ये कॉम्पोनेंट में बच्चे बड़ा इंटरेस्ट होते हैं सैलरी कितनी मिल जाती है देखो यार एक बात बताऊँ सैलरी का हम कोई भी ऐसा एस इंसान नहीं कह सकता कि आप सी बनोगे तो आपकी ये सैलरी मिलेगी क्या दुनिया के जितने भी सी हैं सबकी सेम सैलरी होती है नहीं सारे डॉक्टर्स की सारे टीचर्स की सारे इंजीनियर की सेम सैलरी होती है नहीं तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है आपके अंदर कितना आर्ट है आपके अंदर कितना कितना पोटेंशियल है आपने रियल लाइफ की चीजों को कितना सीखा है और आप उसे रियल में कितना अप्लाई कर पाते हो मान लो किसी की इनकम टैक्स मान लो पांच करोड़ बनता है आपने सी ने उसकी इनकम टैक्स को घटा के दो करोड़ कर दिया तो आपने उसको तीन करोड़ का फायदा पहुंचाया तो ऑब्वियसली क्लास वो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करेगा तो ये डिपेंड करता है बट अगर मैं ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करूँ पर एन की तो छह से आठ लाख ऑन एन एवरेज मान सकते हो ठीक है इसके आसपास ही घूमोगे ऑन एन एवरेज एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए बट आप बहुत अच्छे हो तो आठ लाख

पूरी जिंदगी पड़िए पैसा कमाने के लिए आप कमाओगे बहुत पैसा कमाओगे लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल अचीवमेंट करोगे आप लेकिन क्लास आप शुरुआत अच्छे से करो मेहनत करो पाँच साल कुछ मत सोचो बस लग जाओ अगर तुम्हें सीए करना है तुम्हारा डेडिकेशन है देन ये नहीं कि सुनील सर ने वीडियो बना दी तो अब मैं सीए करूँगा नहीं आप मन से चाहते थे करना तो क्योंकि कई सारे बच्चे शुरू में किसी और के कहने पर या मन नहीं है उनका घुस जाते हैं फिर वो बार बार फेल होते रहते हैं और डिमोटिवेट होते रहते हैं तो अगर आपने शुरू से ठान लिया है पाँच साल तुम डेडिकेटेड तरीके से मेहनत कर सकते हो बिना किसी और चीज को बीच में लाए हुए बिना एजुकेशन जब स्टडीज है उसको अफेक्ट नहीं करे कोई चीज तो आराम से तुम पांच साल में बन जाओगे राइट एक फाइनल सजेशन क्लास में आप सबको दूंगा सबसे पहला कि अभी तुम सिर्फ फाउंडेशन का सोचो आगे का कुछ मत सोचो हर चीज देखो टीचर पढ़ाएगा आप पढ़ोगे आप होमवर्क करोगे टीचर पढ़ाएगा आप पढ़ाओगे आप होमवर्क करोगे सीए क्या कोई भी कोर्स निकल सकता है कोई भी कोर्स कमी टीचर में या आप में है तो नहीं निकलेगा टीचर में तो उसे कमी करता नहीं है तो आप अगर पढ़ोगे नहीं घर पर होमवर्क नहीं करोगे छुट्टियाँ मारोगे ट्वेल्थ जैसा नहीं है क्लास यहाँ पे एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है एक एक क्लास दो दो तीन तीन घंटे की होती है एक क्लास थोड़ा आपने तीन घंटे खराब कुछ समझ नहीं आएगा फिर आपको आगे तो इसलिए क्लास ऐसा ट्वेल्थ जैसा मत समझना इसको आगे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा रेस्ट कई बार बच्चे सर कितने घंटे पढ़ना है इन लॉजिकल क्वेश्चन घंटे का कोई हिसाब नहीं है स्कूल में मुझे इतना काम मिला था मतलब कि इंस्टीट्यूट ने मुझे इतना काम दिया मैंने उतना काम कर लिया बस उतना काम दो घंटे में हो जाए एक घंटे में हो जाए पर नॉर्मली नौ क्लास आप मांग रहे हो कोचिंग वोचिंग में आपके पांच छह घंटे रोज लग जाएंगे और तीन चार घंटे आपके पढ़ने में तो मतलब आप आठ दस घंटे तो कम से कम लगा ही रहे हो पढ़ाई में कोचिंग के साथ साथ ठीक है फाउंडेशन में क्लास ये अगर छह घंटे भी रोज पढ़ोगे तो बहुत है इंटरमीडियत में आठ से दस घंटे फाइनल में भी इसी तरह से आठ से दस घंटे तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा बस काम जो दिया हुआ उसे पूरा कर लेना है बाकी बाकी जैसे क्लास आगे चलोगे आपको आगे समझ आता चला जाएगा डेली क्लास लो डेली का क्लास वर्क होमवर्क करो और मॉक टेस्ट निकलते हैं क्लास वो सारे के सारे मॉक टेस्ट बनाओ आई का यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चाय अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का स्टडी मैट बना लो क्लास और क्लास बाकी टाइम पर इंजॉय करो ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ना ही पड़ना ऐसा कुछ नहीं होता सीए में कि दिन रात पढ़ना ही पढ़ना मेरे कई सारे स्टूडेंट खुद सीए हैं दिन रात नहीं पढ़ना होता बस आपको क्लास पढ़ना है होमवर्क वगैरह सब कुछ पूरा करना है और कुछ नहीं राइट तो सी में क्लास एक्सपेंसिव नहीं है क्लास इसमें मेहनत चाहिए डेडिकेशन चाहिए पाँच साल मेहनत कर लो

घर वालों से परमिशन लो इस चीज को करने के लिए अपने दोस्तों से और जो टीचर्स जिनको भी आप मानते हो उन सबसे पूछ के बातचीत करके क्लास पाँच साल हार्डवर्क के लिए खुद को जोक दो पाँच साल यकीन मानो क्लास मेहनत करने का भी अपना मजा है अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है अगर आपको पांच साल बाद सीए बनने का मौका मिल रहा है देखो सीधी सी बात है हमेशा कहता हूँ पांच साल मेहनत करो पचास साल मजे लो या फिर पचास साल मेहनत करते रहना ये पांच साल घर वालों को पैसों पर मौज ले लो तो ये डिपेंड करता है क्लास आपके ऊपर कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है क्लास पाँच साल मेहनत पचास साल मजे या पाँच साल मजे पचास साल मेहनत ये आप पे डिपेंड करता है लाइफ आपकी है आपको गुजारनी है बहुत जीवन बहुत लंबा है क्लास कटती नहीं है लाइफ ऐसे मेहनत करोगे कुछ बनोगे तो शायद चीज़ों को आसान कर सको मुसीबतें कभी ज़िंदगी में खत्म नहीं होंगी मरते दम तक खत्म नहीं होंगी हमेशा चलते रहेंगे लेकिन चीज़ों को आसान बना सकते हो लाइफ में सक्सेसफुल बन के आपके घरवालों की अब तक की जो मेहनत है बारह साल की वो अच्छे से क्लास सफल हो जाएगी काम हो जाएगी अगर आप क्लास कुछ लाइफ में बन जाओ तो अगर आप सही का प्लान कर रहे हो क्लास सोच समझ के डिसीजन लेना और अच्छे से पढ़ाई करना मेरी तरफ से आपके करियर के लिए बेस्ट विशेष तब तक के लिए टेक केयर बाय है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कॉमेंट करके मुझे अपना कोई भी डाउट पूछना क्लास या कोई सुझाव देना हो कॉमेंट में मुझे बताना वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा से हूँ जो भी मदद कर सकता हूँ क्लास में जरूर करूंगा तब तक के लिए टेक केयर बाय गॉड ब्लेस यू